ओल्ड कपड़े लाएंगे, ओल्ड कपड़े देके यहाँ पर कूपन लीजिए और नए कपड़ों में डिस्काउंट लेके जाइए। चलो जल्दी से फाइनल करेंगे, बिलिंग करेंगे और फिर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसआर स्टार, दिस इज़ रहीम। आज है संडे का दिन और हो रहे हैं दोपहर के 3, और जैसा बारिश होने की वजह से कल रात में भी ज़बरदस्त बारिश हुई, आज भी दिन भर से पूरा अबर ही है, धूप तो नहीं निकली, ज़बरदस्त एक मौसम हो गया है सुकून का। अब आज संडे के दिन अपने को कर रहा है थोड़ी सी शॉपिंग, तो अभी शॉपिंग के लिए मैंने हमेशा जितने मरतबा भी फॉर्मल लिया, आई थिंक एक 6 से 7 साल पहले ही मैंने रेडीमेड लिया था, उसके बाद कभी नहीं लिया, हमेशा स्टिचिंग करा के लेता हूँ हमारे शरीफ भाई के पास, लास्ट टाइम जब गए थे हम हैबिट्स में सिक्वेरा टेलर्स, क्योंकि मेरे को जो सेटिस्फैक्शन आता है स्टिचिंग में वो नहीं आता रेडीमेड में। फिर भी आज सोचा, हमारे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि वेस्ट साइड में अच्छे फॉर्मल्स है बोल रहे हैं, तो चलिए एक बार वेस्ट साइड जो अपने पास यहाँ करीब में ही, एक बार जाके देख के आते हैं, वेस्ट साइड में भी देखेंगे एक बार, ब्रांड फैक्ट्री जो अब हो गया है रिलायंस फैशन फैक्ट्री उसमें भी देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आखिर अपना जाके सीधा कपड़ा लेके सिलाने को डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं वेस्ट साइड और देख के आते हैं कैसे वहाँ पर फॉर्म लगा, अच्छा दिखे तो ले लेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं अंदर, आई थिंक इसकी पार्किंग कहाँ है, इसकी वेस्ट साइड की पार्किंग है, पार्किंग एकड़ा इधर होंगी भाई, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे है मेंस के लिए, तो चलो यहाँ पे देख लेंगे। अभी वेस्ट साइड में देखे तो एक पैंट अपने को जो पड़ रहा है यहाँ पे 1600 रुपीज़ में पड़ रहा है, तो एक बार एलन सॉली और पार्क एवेन्यू का देख लेंगे कितने में रेट पड़ रहा, और उसके बाद ब्रांड फैक्ट्री का देख लेंगे, फिर तीनों में से एक जगह फाइनल कर लेंगे। यहाँ पर जो मेरे को पैंट पसंद आए, एक जिसमें इलास्टिक वाले है और स्पन कॉटन में के जैसा स्ट्रेचेबल क्लॉथ है, अच्छा लगे फॉर्मल्स, यहाँ का तो फिक्स है, वो तो लेना है, एक बार वहाँ पे भी रेट कंपेयर कर लेके फिर फाइनलाइज कर देंगे। और ज़बरदस्त एक ब्रांड फैक्ट्री में जो फैशन फैक्ट्री अभी होगा, एक स्कीम चल रही है कि अगर आप ओल्ड कपड़े लाएंगे, ओल्ड कपड़े दे के यहाँ पर कूपन लीजिए और नए कपड़ों में डिस्काउंट लेके जाइए। पैंट पे 300 रुपीज़ है और शर्ट्स पे आई थिंक मेरे ख्याल से 250 रुपीज़ है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स है पुराने कपड़े देने के बाद। चलिए अभी हम भी एक कुछ पुराने कपड़े देके पैसे ले लिए, देखिए आपको पैसे दिखाता हूँ। ये है फैशन फैक्ट्री की करेंसी 150 रुपीज़ भाई। इस ऑफ़र में आप पुराने जीन्स और ट्राउज़र्स या शूज़ और अपने टी शर्ट्स वगैरह, आई थिंक मेरे ख्याल से नाइट पैंट्स वगैरह नहीं ले रहे, तो कुछ भी आप पुराने कपड़े या शूज़ वगैरह दे के आप आइए और यहाँ पर एक प्रोडक्ट पर एक चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, आप पैंट दे के पैंट ले लीजिए या पैंट दे के शर्ट, एक ही आइटम ले सकते हैं, अच्छी स्कीम है। और आज संडे है तो संडे की भी आज काफ़ी रश है, और उस वजह से भी जो सेकंड हैंड जो क्लॉथ्स है, जो पुराने कपड़े देके आप नए कपड़े ले रहे हो, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी रश है, पब्लिक ज़बरदस्त वसूल रही है भाई। कपड़े एक्सचेंज करके ये सब ले लिए ने, अरे बाप कितने बिला दिया भाई, इतने सारे बिला दिया है, देख लेना पड़ता है, लो हो गया ओके आई पहन ली भाई। दोपहर में 3 बजे निकले थे, अभी हो रहे हैं शाम के 6:30, ख़रीदी करते करते टाइम हो गया, थोड़ा ट्रैक पैंट्स और फॉर्मल्स देना था, फैशन फैक्ट्री में ट्रैक पैंट्स और फॉर्मल पसंद आए। स्टार्टिंग में जब मैं वेस्ट साइड में गया था वहाँ का पैंट अच्छा लगा मेरे को, वापस वहीं जाऊँगा, जो स्पन कॉटन में थोड़ा इलास्टिक टाइप में आता है तो अच्छा उठने पिटने के लिए कम्फर्टेबल रहता, तो अभी फ़िलहाल जाएंगे वेस्ट साइड पर और वहाँ से वो फॉर्मल उठा के फिर घर को निकलेंगे। फाइनली अपने जिस टाइप में होना था फॉर्मल जैसा रेगुलर यूज़ के लिए, वो टाइप में फॉर्मल यहाँ पर अवेलेबल है, तो अभी फिलहाल उठाएंगे और निकलेंगे वेस्ट साइड में ही। इसकी फिटिंग तो अच्छी लग रही मेरे को, इसकी फिटिंग जो अभी मैंने कैरेट लिया अल्ट्रा स्लिम फिट से अच्छा तो ये कैरेट ही लग रहा है, तो चलो ये फाइनलाइज करेंगे, मेरे को फॉर्मल होना भाई डेली यूज़ के लिए। बाकी लेंथ थोड़ी है, मेरे को एंकल लेंथ चाहिए था टखनों के ऊपर, लेकिन चलो ठीक इसको अब मैं एडजस्ट करा दी लेंथ के। 3:30 बजे से निकले थे तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, 6 बज रहे ऑलमोस्ट, अब 7:15 हो रहे, तो चलो जल्दी से फाइनल करेंगे, बिलिंग करेंगे और फिर निकलेंगे। चलो भाई फाइनली ले लिए और थोड़ा अल्ट्रेशन लेंथ करानी थी, अल्ट्रेशन के लिए दे दिए, अब लग रही दबा के भूख, 3 बजे से शॉपिंग चले, संडे शॉपिंग हो गई आज अपनी दबा के, अब जा रहे हैं वापस घर को। नहीं यार अब भूख लग रही, देखिए अब खाने का क्या है, कुछ बना तो प्लान खाएंगे या फिर घर पे जाएंगे।
तो भाई अपनी शॉपिंग हो गई, अब हो रहे रात के 8, दबा के लगी भूख। अब भूख का जो प्लान बना है हमारा, इम्पीरियल में डिनर करने का प्लान है। तो अभी हमारे सामने है इम्पीरियल, तो चलिए चलते हैं इम्पीरियल में। और भूख तो दबा के लग रही है, खाना खा लेंगे फिलहाल। भाई जबरदस्त खाना होने के बाद अभी आ गए हम लोग नाइस जूस सेंटर पर और खाएंगे मैंगो मलाई। तो चलिए खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए भाई खाना हो गया और जो शॉपिंग करना थी ये सब चीज़ें, आज दिन भर के पूरे काम हो गए। 3 बजे से निकले थे, अब हो रहे रात के 10। काफ़ी लंबा घूम लिया और थकान भी फुल हो गई। अब ज़बरदस्त तबीयत थक गई। अब जाएंगे घर पे सुकून से फ्रेश होके, ज़बरदस्त चाय पियेंगे, फिर चाय पीने के बाद आराम करेंगे। तो चलिए अब इस व्लॉग को, उस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज़ वेयर द हेलमेट, ऑलवेज़ वेयर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।